ये है पांव में जमीन, वो है सर पे आसमान, जिसे ढूंढते हैं हम नहीं दूर वो जहां। कर मिलके हम जो काम तो खुदा हो मेहरबान, जरा देखो किस तरह चले गोरी की दुकान। चले चलो चले चलो, देखो आगे जीत के निशान। चले चलो चले चलो, देखो आगे जीत के निशान। ये है मिठाई वाला मेंशन। जी हाँ, अंग्रेजों के जमाने में तामीर करदा एक मजबूत कोठी। कोठी तो अब भी मजबूत है, लेकिन कोठी के मकीनों की हालत खासी खस्ता है। मिलते हैं असलम मिठाई वाला से, जिनके वालिद ने विरसे में ये कोठी इन्हें दी, और लबे शीरी नाम की मिठाई की दुकान इन्हीं की है। ये 24 में से 22 घंटे कैलकुलेटर के साथ होते हैं। इनकी दो नायाब बेटियां हैं। ये हैं जरीन, हसीन, स्मार्ट, बीए फर्स्ट पोजीशन। घर से ज्यादा वक्त जिम और सैलून में निकालती हैं। खासी सुघड़ हैं और अनकरीब दुल्हन बनने वाली हैं। और ये जो दीवार पेंट करने की कोशिश कर रही हैं, ये असलम मिठाई वाला की दूसरी बेटी शीरी है। सिर्फ नाम की शीरी है, जबान कड़वे करेले से भी ज्यादा तलख है। अरे रे 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 रे। हमीदा खातून से तो मिलते चलिए, आप हैं लड़कियों की टिपिकल फुप्पो। असलम साहिब की इकलौती बेवा बहन जो बरसों से भाई के यहाँ धरना दिए बैठी है। दुनिया में हिटलर और फुप्पो, ये दो किरदार न होते तो बस रावी चैन ही चैन लिखता। अरे खुद गाना सुनो। उठो, क्या पड़ी हुई सोफे सुबह से, उठ के मेरी मदद करो पेट में। तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं क्यों मदद कर रहा हूँ तुम्हारी? कल ही मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया, नेल्स करवाए। सो हु केयर्स, गर्दन में दर्द हो रहा है मेरी, मदद करवा दो पेंट करवाने में। अब तक कोई काम किया हो तो आदत पड़े ना। और ये तुम पेंट क्यों कर रही हो? पापा अगले हफ्ते पेंट करवाने ही वाले हैं। कोई पेंट नहीं हो रहा, बाहर हालत देखो क्या हो रही है, हमें खुद ही करना होगा पेंट। पेंट नहीं, मुझे नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना? अरे चुप कर जाओ ना, हो गई बस तुम दोनों की जंगे पलासी शुरू। दो मिनट सुकून से जो ड्रामा देखने दो। क्या फुप्पो, आप बिना हम लड़े मरे शोर मचाएं जो भी करें, हमारा घर है हमारी मर्जी। जरा मैं अपना ड्रामा खत्म कर लूं फिर तुम्हें बताती हूँ कि जंगे अजीम जो है ना तीसरी वाली, उससे भी बड़ा मसला हो तुम। रुको जरा, ये तुम क्या बार बार जताती रहती हो है कि हमारा घर हमारा घर। मेरा भी घर है ये, मेरा भी बराबर का हिस्सा है इस कोठी में। क्यों भाई साहब, बताइए जरा इन्हें। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ही नहीं हो रही, सारा गलत हो गया, फिर नए सिरे से करना पड़ेगा। शीरी आंखें टेस्ट करवाओ अपनी, फॉर गॉड सेक, तुम अंधी हो चुकी हो, तुम्हारा इस चश्मे से ना अब काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल ठीक है मेरा ये चश्मा। किसने कहा था कि इस दीवार को पेंट करके इसका बेड़ा गर्क करो? पापा मैं कह रही थी ना कि इसे किसी आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। ये कलर ब्लाइंड है, इसे नजर नहीं आता, ये ग्रीन को ब्लू और रेड को ऑरेंज समझती है। आप खुद आकर क्यों नहीं देखते? तुम समझती नहीं ना तुम्हें। यही है असलम साहब की 1970 में कायम शुदा दुकान लबे शीरी। और ये हैं फरहाद अली, लबे शीरी के मैनेजर जमीर कम शेफ के इकलौते फर्जन, जो सुबह से अब तक 30 मक्खियां मार चुके हैं। बेचारा फरहाद, करे भी क्या, छोटी यूनिवर्सिटी से एमबीए की बड़ी डिग्री तो ले ली, मगर सुना है छोटी यूनिवर्सिटी के एमबीए को कोई क्लर्क की नौकरी भी ऑफर नहीं करता। आखिरकार नौकरी दी तो किसने? असलम साहब ने, वो भी इंटर्नशिप का झांसा देकर। अब गरीब सारा दिन गाहक और अच्छे मुस्तकबिल का इंतजार करता रहता है, जो है कि आकर नहीं देते। अरे 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 अरे, वो आया गाहक, मैं चलता हूं। पहले तो रोज रोज लड्डू बना करते थे, अब तो हफ्तों में कई नंबर आता है लड्डूओं का। अबू बाहर एक कस्टमर आए, जल्दी से आए आओ। अरे तो अंदर आ जाएगा, नई गाड़ी में आए, चले आप। फरमाइए जी भाई, बताएं कितने किलो रसगुल्ले पैक करूं मैं आपके लिए?
ऑर्डर बहुत बड़ा है। आप एक काम करें, मैं ये लिस्ट देखता हूँ, आप ये डब्बे पैक कर लें। माफ कीजिएगा, मैं ये एड्रेस कोई घंटा भर से तलाश कर रहा हूँ। इस तरफ मद्रास बेकर्स हुआ करती थी, वो कहाँ चली गई है? मैं कोई दो साल बाद शारजा से लौट। जी वो तो बंद हो गई है, वो काफी अर्सा हो गया उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बंद कर दी। आप एक काम करें, हमारी की मिठाई ट्राई करें, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। रहने दें, मार्केट में सबको पता है कि असलम मिठाई वाले की दुकान आउट ऑफ बिजनेस है। आप लोग ये 1970 की मिठाई अभी तक बेच रहे हैं? मिठाई छोड़ें, दुकान बेच दें। ये पकड़ो मियां, पकड़ो अपना, जाओ यहां से, हमारा और अपना वक्त जाया ना करो। मेरी सास ने खास ताकीद की थी कि मिठाई मद्रास बेकर से ही लाना। तो जाओ मद्रास बेकर, वहां से ले लो, यहाँ क्यों आए हो? तुम लोगों का बिजनेस जमीन पर है और दिमाग सातवें आसमान पर, और बदतमीजी अलग कर रहे हो तुम लोग। जी हाँ, जी हाँ, शिकायत लगाऊंगा असलम साहब से। लगा दे शिकायत। अब्बा, आपको दादी जान नसीहत करके गई थी क्या? इस सारी उम्र आपने लब्बे शीरे में गुजार देनी है। खुद तो जलील होते हैं, साथ साथ मुझे भी जलील खुआर करवा रहे हैं आप। मैं आलू चने की रेडी लगा लूंगा, बंद कबाब बेच लूंगा, किसी मॉल में चूड़ियां बेच लूंगा, लेकिन लब्बे शीरी अब किसी सूरत में भी नहीं। जा, किसी हालत में भी नहीं। जब ठोकरे लगेंगी ना जमाने की, पता चल जाएगा तुझे भी। पागल हो गई हो, म्यूजिक क्यों बंद किया? हम बस खत्म करने वाले थे। हाँ यार, सारे स्टेप्स हो गए थे अभी तो। तुम लोग किसी डांस कॉन्टेस्ट में जा रहे हो क्या? क्या हो गया है? सुबह से एक ही बकवास लगाई हुई है। इतनी शादी की तैयारी तो लेडी डायना ने नहीं की होगी जितनी तुम कर रही हो। क्योंकि तुम जेलस हो, क्योंकि तुमसे पहले मेरी शादी हो रही है, और वो भी तिठाट से, करोड़पति और हैंडसम शख्स से। तुम्हारा जलना तो बनता है ना हीरा? मिनट, क्या कहा है तुमने कि मैं जेलस हो रही हूँ तुमसे? वो मैं इरम से बात कर रही हूँ। और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि मैं तुमसे जेलस नहीं हो रही, तुम मुझसे सिर्फ एक साल छोटी हो, मैं को जल के भुन नहीं जाऊंगी अगर तुम्हारी शादी पहले हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी दूसरी बात भी गलत है। वो क्या? वो ये कि ना तो वो हैंडसम है और ना ही वो अमीर है, ऐनी सा लगता है दिखने में। कौन सा को फवाद खान है। मुझे ना तुम्हारी तरह झूठ बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं अभी तुम्हें फोटो दिखाती हूँ। ये देखो, ये जायद की फोटो है, लंदन में अपना सुपर स्टोर है, अपनी गाड़ी के सामने खड़ा है, और इसकी हाइट 6'2" है। देखो, मिली तो होनी कभी तुम इससे, और देखो कितनी फेक स्माइल है इसकी। बाय द वे, ही इज शॉर्ट हाइटेड, मुझे तो लगता है हील्स वाले जूते पहनता है, तभी तो देखो कोई फुल पिक्चर नहीं भेजी इसने अपनी। नहीं जी, मैं इससे 2 करोड़ मर्तबा ना वीडियो कॉल्स पे बात कर चुकी हूँ। फेस टू फेस मिली हो इस तरह करीब, आमने सामने मिली हो कभी? नहीं। तभी तो, झूठ बोलता है वह तुमसे। ना वो हैंडसम है ना वो अमीर है, बल्कि लालची है। तुमसे नहीं, तुम्हारे मिठाई वाले के नाम से शादी कर रहा है वो, मान लो तुम ये बात। जी नहीं, मेरे ससुर का अपना शोरूम है और डिफेंस में उनका अपना बंगला है, और तुम पप्पा से इसलिए बात करोगे कि तुम मुझसे जेलस हो। मैं जाकर पप्पा से बात कर रही हूँ। तुम किस मुंह से बात करोगे पप्पा से? हाँ, माजी में जो तुमने किया वो तुम भूल गई। पप्पा से किस मुंह से मेरी शिकायत करोगी? यूनिवर्सिटी में जो तुम्हारा अफेयर था जिसकी वजह से तुम्हें निकाल दिया गया था, पता है ना? वो तो हम सबको पता है। क्यों हीरा? पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर मुझसे बात करना। भागो यहां से। कुछ लोग ना खुद खुश रहते हैं और ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। म्यूजिक लगाओ। क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह से तमाशा करने की? जब देखो लड़ाई करते रहते हो तुम लोग। डांस करना है मुझे, करो अब डांस। सारा मूड खराब कर दिया यार मेरा। अच्छा ना, बस चलो करते हैं। याद करो, प्रैक्टिस करो जो हम अभी कर रहे थे। मेरे हाथों में नोनो चूड़ियां। हाँ, मेरे हाथों में नोनो चूड़ियां हैं,
जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, मिलन होगा मगर इस रात की दूरियां हैं, मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं। यार थोड़ी सी मोहलत दे दो, देखो तुम्हारी किस्तें तो मैं अदा कर रहा हूं ना यार, और मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है फैज। देखो मेरी बेटी की शादी आने वाली है, मुझे थोड़े से पैसे और चाहिए मेरे भाई। फैज खान मैं एक बेटी का बाप हूँ, बेटियां वैसे तो बहुत नाजुक होती हैं लेकिन उनका बोझ बहुत ज्यादा होता है, मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बमाए सूद के तुम्हें वापस करूंगा। मेरी बात तो सुनो, फैज खान मैं एक बेटी का बाप हूं, बेटियां वैसे तो बहुत नाजुक होती हैं लेकिन उनका बोझ बहुत ज्यादा होता है, मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं बमाए सूद के तुम्हें वापस करूंगा। मेरी बात तो सुनो, चले गोरी की दुकान, चले चलो चले चलो, चले गोरी की दुकान, चले चलो चले चलो। किस सैलून से अपॉइंटमेंट लिया है ब्राइड का? जाहिर है लिली से। तुम्हारा क्या ख्याल है, किसी आम पार्लर से दुल्हन बनूंगी क्या मैं? वाओ यार कितनी लकी हो तुम, तुम्हारे पापा ना बहुत शानदार वेडिंग करवा रहे हैं, और तुम्हें पता है मैं तो सिर्फ कार्ड देखकर ही बेहोश हो गई थी, काफी महंगा वाला लगता है। हाँ ये देखो पूरे 500 रुपए का है, कितना स्टाइलिश है ना? हाँ। और इसमें चूड़ियां और चॉकलेट जाएंगी, ये मैंने खुद डिजाइन करवाया है। लवली यार कितनी सुघड़ हो तुम, और एक वो शीरीन है, खैर तुम्हारे मैंने ड्रेसेस देखे हैं यार कितने खूबसूरत हैं, तुमने खुद डिजाइन किए हैं? हाँ एक तो 5 लाख का है डिजाइनर का। अच्छा सुनो कल से हम ढोलकी रख रहे हैं और तुम सुबह से शाम तक मेरे साथ रहना, सब फ्रेंड्स तो शाम को आ जाएंगे लेकिन तुम सुबह से, ठीक है? सुबह से? यार एक तो वो शीरिन बहुत तंग करती है और तुम्हारी फूफो भी ना बहुत नकचढ़ी हैं, मैं शाम को आ जाऊँ? अच्छा ठीक है। अच्छा चलो अब तुम जल्दी से समेटना शुरू करो वरना तुम्हारी फूफो आकर तुम्हारी बहुत डांट लगाएंगे। नहीं नहीं हम समेट नहीं रहे, ये बताओ हम कौन से गाने पे डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो हम जिस गाने पर डांस कर रहे हैं ना वो है, हाँ जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की। हाँ ये तो पुराना गाना है, कोई नया गाना गाओ ना। मुझे नए गाने अच्छे नहीं लगते, मुझे ना पुराने गाने ही बहुत अच्छे लगते हैं। क्या लव स्टोरी होती थी उन गानों की यार, मतलब तुम्हारी खातिर तो चल गाओ। जरा ढोलकी बजाओ गोरियो। उफ तौबा तौबा, लड़कियां हैं या आफत की परकालें हैं, मुश्किल कर दिया मेरी जिंदगी, सुबह से सर में दर्द हो गया गाने सुन सुनकर, और इतना अच्छा ड्रामा आ रहा था भाई साहब, देख नहीं दिया सुकून से इन बच्चियों ने मुझे। अब क्या हो गया? अरे क्या हो गया मतलब, जाइए ना जाके डांटिए अपनी बच्चियों को जरा, तो बड़ी वाली तो आफत की परकाला है, सारा हॉल खाली करवा लिया है, रंग करती फिर रही है, अरे पता नहीं क्या समझती है, सारा सामान मेरे कमरे में भर दिया, जैसे फूफो का कमरा ना हो गया कोई आटे दाल का गोदाम हो गया पता नहीं। ठीक है ठीक। अरे ठीक है क्या कर रहे हैं भाई साहब, जाइए ना देखिए जरा जाकर उनको, वो तो तुर्रम खान समझती है अपने आप को, समझती है बस सारा काम मैं ही कर सकती हूँ, ना कोई तरीका है ना कोई सलीका है। अरे बावर्ची खाने में जाती है, सारा बावर्ची खाना बखेर के मैदान जंग के बराबर कर देती है, बिल्कुल फूहड़ बच्ची है कसम से, कपड़े तक पहनने का ढंग नहीं है उसे तो। ठीक है भाई साहब, ये क्या बात है, क्या आप हुआ हुआ किए चले जा रहे, मेरी बात सुन ही नहीं रहे,
आपने ना अपनी आंखें तो पहले ही बंद की हुई थी बच्चियों की तरफ से, अब उनकी शिकायतें सुनने के लिए अपने कान भी बंद कर लिए। कितना कहा था मैंने आपसे हाजरा भाभी के गुजरने के बाद कि जुलेखा से शादी कर लीजिए। देखिए बच्चियों की तरबियत भी हो जाती अच्छे से और आपके यहाँ औलादे नरीना भी हो जाती। फिर क्या हो जाता है? अरे भाई साहब आपके यहाँ वारिस पैदा हो जाता। अब आप जुलेखा को देखिए, हमीद के यहाँ जाकर माशाल्लाह बेटों की लाइन लगा दी, 5 बेटे हैं उसके यहाँ। अरे ये बेटे ही तो रहमत होते हैं रहमत, बेटियां तो नेरी जहमत होती हैं, पैदाइश से लेकर विदाई तक बस जहमत ही जहमत। ऐसा कुछ नहीं है हमीदा, ये जैसी भी हैं दोनों मुझे बहुत अजीज हैं। अब तुम जरीन को देखो, हर काम कितना सलीके से करती है, मैं तो उसे देख के हाजरा याद आने लगती है। लेकिन ये शीरी किस पे चली गई है ये मेरी समझ नहीं आता। अब आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब, ये मत कहिएगा कि मुझ पे चली गई है। अच्छा चले छोड़े ना ये सारी बात, मैं आपको बता रही हूँ भाई, मैं छोटी वाली की विदाई पर ना पूरे 2 कड़े बनवाऊंगी खूब जड़ाओ किस्म के हाजी ज्वेलर से, और हल्के नहीं होने चाहिए, कम से कम 5-1 लाख के तो होंगे दोनों कड़े। भाई साहब एक लॉकेट भी हो जाए छोटा सा तो बस काफी होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, ले लेना। और हाँ कल जाऊंगी मैं जौहरी के यहाँ, 2 लाख रुपए मेरी हथेली पर धर दीजिएगा कल आप। सुनार के यहाँ जाऊंगी ना तो पेशगी देने होंगे, ठीक है? और याद रखिएगा ये बात, आपको भूलने की बड़ी आदत है, सुबह लेने आऊंगी मैं आपसे 2 लाख रुपए। पापा मुझे सब नजर आ रहा है आप कितने परेशान हैं। लबे शीरी का बिल्कुल डाउनफॉल आता जा रहा है और अब और रफीक खान साहब से आपने और कर्जा ले लिया। तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ जाके आराम। क्यों नहीं है मेरा मसला? मैं भी इस घर में रहती हूँ, इस घर का मसला मेरा मसला है, आप मुझ पर भरोसा तो करके देखिए पापा। क्या भरोसा करूँ मैं तुम पे, क्या भरोसा करूँ? किया था ना भरोसा तुम पे, बुटीक बनवा के दिया था तुम्हें, करोड़ों रुपए डुबो दिए तुमने, तुम्हारे एजुकेशन पे इतना पैसा लगाया, क्या किया तुमने? तुम तो बढ़के भी नहीं थी, जिस चीज में हाथ डालती हूँ मट्टी कर देती। क्या मैं क्या 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 भरोसा करूँ? मैं कहीं से कर्जा लूं या खुद को बेचूं? मैं जरीन की शादी तो उसके सारे अरमान पूरे करना चाहता हूं। लेकिन पापा मैं आपको परेशान नहीं देख सकती हूं। मैं जरीन से बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी कि अब हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे, वो मान जाएगी। जब तुम बुटीक चलाना चाहती थी और मैंने तुम्हें मना किया था, तुम मानी थी जो वो मान जाएगी? जाओ यहां से, तंग मत करो मुझे प्लीज, जाओ। ठीक कहती थी हमीदा, बेटियां होती ही रहमत है। पापा मैं कह रहा हूं जाओ यहां से, मेरी जान छोड़ दो खुदा के वास्ते, जाओ। वालेकुम अस्सलाम, आप क्यों आए हो यहाँ? तुम तो नौकरी छोड़ के जा चुके थे। जी ये रेजिग्नेशन लेटर लेके आया हूँ असलम साहब को देने, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, आपको लेने आया हूँ। मैं चला जाऊंगा, दुकान बंद होने में वैसे भी अभी 1 घंटा बाकी है। अबू आप तो इस तरह कह रहे हैं जिस तरह इस 1 घंटे में ग्राहकों के ठट लग जाएंगे, सारे मार्केट के खरीदार यहाँ पर आ जाएंगे और सारा का सारा सामान बिक जाएगा। मैं जानता हूँ तुम तर्ज कर रहे हो,
दुकान अब नहीं चल रही है। बेशक दुकान ना चले मगर मैं अपना फर्ज निभाता रहूंगा। अबू किस जमाने की बातें कर रहे हैं आप? असलम साहब जब लाखों करोड़ों रुपए भी कमाते थे ना तो आपको यही तनख्वाह मिलती थी, कोई लाखों नहीं मिलते थे आपको भी। राज ने तुझे चल छोड़ जाने थे। अरे बताएं बताएं, मेरे पास और काम ही क्या है, सारा दिन इंटरव्यू देने होते हैं, मैंने आपकी भी सुन लूंगा मैं। तुम्हारी मरहूम माँ जब बीमार हुई थी तो उनके इलाज का सारा खर्च, तुम्हारी बहन का जहेज उसकी शादी के वक्त सब हाजरा बेगम ने दिया था। तुम जो इतना तनतनाते फिर रहे हो ना, तुम्हारी तालीम के सारे अखराजात असलम भाई ने बर्दाश्त किए। अरे बेटा ये मेरा खानदान है, इस बुरे वक्त में मैं इन्हें छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता मैं इन्हें, नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ वो जब मुझे नौकरी मिलेगी तो वैसे वापस कर दूंगा मैं उनको, और वैसे भी इतनी खिदमत गुजारी ठीक चीज नहीं है। आप उनके यहाँ मुलाजमत करते हैं, आप उनके गुलाम नहीं हैं। और वो उन्होंने जो दो बददिमाग लड़कियां अपने घर में रखी हुई है, नाक पे मक्खी नहीं बैठे देती, वो अपनी बेटी पे जितना खर्चा कर रहे हैं सब जानता हूं मैं, और आप यहाँ मेलो ड्रामा करके ड्रामा किंग बन रहे हैं। अबू मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, आपने जाना है मेरे साथ कि नहीं जाना? नहीं, तुम जाओ, मैं अपना सामान समेट कर शटर गिराकर अपने वक्त पर ही घर आऊंगा। ठीक है आपकी मर्जी, मैं असलम साहब के मुंह पे इस्तीफा मार के आता हूं। चले गोरी की दुकान, चले चलो चले चलो, चले गोरी की दुकान, चले चलो चले है यहाँ पे यार, यहाँ कोई रहता भी है या जैन रहते हैं सिर्फ? अजीब बात है। हेलो लड़के, ओए पेंट वाले लड़के, अंदर से जाके असलम साहब को बुलाओ। बहरे हो क्या, ऊंचा सुनते हो?
अजीब बात है यार, एक घंटे से बाहर बेल बजा रहा हूँ, मजा आने के बाहर आ जाए। पागल हो गया? तुम पागल हो क्या? जी बात है। क्या बोले चले जा रहे हो? शीरे तुम यहाँ पे? तुम? मैं तो असलम साहब से मिलने आया हूँ, बुलाओ उनको बाहर। तुम्हें पापा से क्या काम है? पापा? वैसे तुम दो साल में काफी चेंज हो गई हो, आई मीन नजर का चश्मा बढ़ गया तुम्हारा। नजर का चश्मा बिल्कुल वैसा ही है। तुम देखो, तुम कौन सा टॉम क्रूज बन गए हो, वैसे के वैसे हो, कौन सा सिक्स पैक बना लिए जिम जाके, एमी से लग रहे हो। हाँ तो तुम्हारे अब्बा का टाइम पे सैलरी दे देना तो हमारी गाड़ी भी चले। ऊंची दुकान की का भगवान, क्या बड़बड़ा रहे हो मुंह ही मुंह में? पापा आराम करे, स्टडी में है। मुझे बताओ क्या काम है? तुमसे डेट मारने के लिए नहीं आया, ये रेजिग्नेशन लेटर है मेरा, उनको देना है। असलम साहब को बुलाओ, उनके हाथ में दूंगा मैं। मैं रिसीव कर लेती हूँ, उनकी तरफ से कबूल है, कबूल है, कबूल है। आप वापस जाओ अपने घर, एक घंटे में पूरा कराची डूब जाएगा बारिश से। शीरी तुम वैसी की वैसी हो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है लोगों को टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देने की। मैंने तुम्हारे लिए अपनी इज्जत, तालीम, जिंदगी सब कुछ दांव पे लगा दिया और तुम कहती हो जाओ। असलम साहब ने मेरी 3 महीने की सैलरी देनी है, उसको लिए बगैर तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। अजीब पागल बनाया हुआ है बाप बेटी ने मुझे। ऐसा करो कि तुम कल सुबह आ जाना, पापा से मुलाकात भी हो जाएगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। और तुम तो ऐसे पीछे पड़ गए हो मेरे जैसे मैंने तुम्हारा मर्डर कर दिया हो। भाई मैंने तो फ्रेंड्स के कहने पे उल्लू बनाया था तुम्हें, कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ, तुम तो असल समझ बैठे, और स्कैंडल बन गया। मुझे क्या पता था, मैंने तो तुम्हें ढूंढा था, तुम थे ही नहीं, मिले ही नहीं। तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया था, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। तुम्हें यार जाने के बाद कॉलेज बहुत हैरान हो गया, मैंने भी कॉलेज छोड़ दिया। सब लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, फिर किसी छोटी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके मैंने MBA किया। कभी कभी मिलोगी ना तो बताऊंगा, काफी डिटेल से बताऊंगा। चलता अल्लाह। तुम्हें पता है ना, बारिश के मौसम में मेरा मूड कितना अच्छा हो जाता है। दोस्ती करोगे मेरे से? फिर से सब बातें भुला के
मैंने हमेशा के लिए लबे शीनी को बंद करने का प्रोग्राम बना लिया है। मैंने झूठ बोला था कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन दूर होने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ। आज तुम मिले तो बोल भी नहीं सकी। इतनी मुश्किल से तो बनाई है, आप कहती रहती है मैं कोई काम नहीं करती, कहाँ रह गई है? सारी चाय ठंडी हो जाएगी फुप्पो। काश काश खुदा से कुछ और मांग लेता। नहीं, कुछ और क्यों मांगता, यही तो हासिल है दुआ है। लेकिन ये मेरी बात समझती क्यों नहीं है? इस्तीफा देना तो मौसम अच्छा था तो सोचा समोसे और जलेबी भी ले आऊं। कहीं तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे लिए लेके आया हूं स्पेशली मैं, या तुम्हारा दीदार करने आया हूं मैं। बैठो। काश असलम साहब आज भी मसरूफ हो या कहीं गए हुए हो, खुदा करे बीमार हो, इन्हें दमा हो जाए। थैंक्स सबके लिए। मैं जाके पापा को बुलाती हूँ। एक मिनट, तुम क्या वाकई पापा से मिलने के लिए आए थे? हाँ, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं असलम साहब से मिलने आया था। तुम्हें क्यों ये खुशफहमी हो रही है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ? मैं तो यही समझी थी, फरा तुम जानते हो ना हम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन तुम कभी भी मालिक नौकर अमीर गरीब के चक्कर से निकले ही। बहुत एहसास कंपनी था तुम्हें। आइंदा से यहाँ मत आना, मैं पप्पा को बुला रही हूँ, अपना काम करो, जाओ यहाँ से। मुझे सख्त नफरत है बुजदिल और कमजोर लोगों से। चल गोरी की दुकान, चले चलो, चले चलो। चल गोरी की दुकान, चले चलो, चले चलो। फरहाद, यहां तो कोई भी नहीं। शीरी की आदत गई नहीं झूठ बोलने की, कुछ भी बोल देती है। फरहाद आता तो मुझसे मिले बगैर क्यों चले जाते? बड़ा अच्छा बादम लड़का है,
चीरी, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा है ना जाहिद की चॉइस? डिजाइनर है तुम्हें पता है, मेरे तो शूज और क्लच भी डिजाइनर है, देखो तो सही। ठीक लग रही हो बस, ओके एज यूजुअल। जरीन तुम थकती नहीं हो? सारा दिन पेंटेड फेस में बार्बी डॉल्स की तरह घूमती हो, इतने बाल सेट करके। जीतती जाती लड़की तो ऐसी नहीं होती, बिल्कुल तुम बेजान गुड़िया लगती हो मुझे। जाहिद को ऐसे ही पसंद है। क्या मतलब है कि जाहिद को ऐसे अच्छा लगता है? तुम्हारी अपनी कोई चॉइस नहीं है, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसी घूमती रहोगी? जाहिद को कुछ करने के लिए आई हो दुनिया में? जरीन प्लीज फॉर गॉड्स सेक गेट अ लाइफ प्लीज। मेरा ना तुम्हारे साथ लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है, मैंने पहले ही तय कर लिया था। साहिद के पापा डेट लेने आ रहे हैं, शादी इट अ वंडरफुल थिंग, बिल्कुल बदल देती है ना। मैं सरीन मिठाई वाले से साहिद लाखानी बन जाऊंगी। सिर्फ लड़कियों की शादी होती है क्या, लड़कों की शादी नहीं होती? भाई लड़का तो अपनी जॉब करियर हॉबीज पेरेंट्स फ्रेंड्स वो तो नहीं बदलता, और लड़की बेवकूफों की तरह अपनी हर चीज, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना माँ बाप नींद खाब हर चीज बदल के रख देती है सिर्फ एक लड़के की खातिर। क्या हासिल है इसका, तुमने कभी सोचा है? तुम खुद सोचो, तुम जरीन मिठाई वाला हो, तुमने कभी सोचा है अगर शौहर तुम्हारा ना रहे तो तुम्हारी क्या पहचान रह जाएगी? कभी आईने में अपने आप को पहचान सकोगी, खुद की आइडेंटिटी कर सकोगी? नहीं ना। सुनो, तुम ये घटिया सवाल सिर्फ इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में चक्कर था। हाँ, फरहाद नामी लड़के से तुम कोर्ट मैरिज कर रही थी और तुम्हारा वो आइडिया फ्लॉप हो गया, और तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हुई थी मिठाई वाले की, याद है ना? मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी पे खुश हूँ, बस तुम्हारी ऊटपटांग हरकतें समझ में नहीं आ रही मुझे। मसलन ये जो तुम खट्टा पीला रंग पहन के खड़ी हो, जाहिद की वजह से पहना है ना, आगे पीछे तो मैंने तुम्हें कभी पहने नहीं देखा ये रंग। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, ये पिंक है। पिंक नहीं है, खट्टा पीला रंग है। कलर ब्लाइंड हो क्या तुम? तुम अंधी हो, तुम्हें नजर नहीं आता। तुम अंधी हो आंख से भी और दिमाग से भी। तुम आंखों से अंधी हो, मेरा सर मत खाओ। हाँ तुम मान लो ना कि तुम अंधी हो क्योंकि तुम्हें पिंक नहीं नजर आ रहा ये। अरे बस कर दो तुम दोनों, ये मेरे भाई का घर है या किसी पहलवान का अखाड़ा? कोई शर्म लिहाज कर लो थोड़ा सा। बंद कर दो, गिरा दो शटर। मैं हमेशा के लिए लबे शीरीन को बंद करने का सोच रहा हूं। हमारे दादा ने ये दुकान बड़े मान से खोली थी, अप्पा ने बड़े शान से चलाई है, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उनका सहारा था। खैर अब तो दुकान के अखराजात तुम लोगों की तनख्वाहें कुछ भी तो नहीं निकाल पा रहा हूं। बंद कर दो यार ये लबे शीरी, गिराओ शटर और बाहर लिख दो बराए फरोख्त। पकड़े। तौबा फुफो, इतना कुछ घुसाया हुआ आपने छोटी सी अलमारी में, क्या करती हैं आप? कहाँ गई,
कहाँ रख दी? कहीं जरीन ने तो कहीं नहीं रख दी। कितनी दफा मैंने इसे कहा है कि अम्मी की अलमारी में मत घुसा करे, लेकिन इसी की अकल में तो कुछ पड़ता ही नहीं है। अरे क्या कर रही हो? नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई बाली, कोई अंगूठी, कोई जेवर, कुछ नहीं है। अरे तुम्हारी अम्मा हाजरा जाते जाते सब कुछ हड़प करके चली गई है, और जो कुछ बचा था तुम्हारे जैसी निकम्मी बच्चियों के लिए पता नहीं कहाँ छुपा के रख गई है। हाँ पप्पो, इतने पैसे? क्या लॉटरी निकली आपकी? इसमें भी सब कुछ हो जाएगा, घर का पेट, जरी के जेवर और जरी के जोड़े भी। इधर छोड़ छोड़, ये जो है ना वो मैं कमेटी जमाती हूँ ना, अरे मोहल्ले वालों के रिश्तेदारों के ये पैसे, अमानत है बेटा, अमानत। अमानत में खयानत नहीं करते, बहुत बुरी बात होती है। और 24 घंटे मेरे कमरे में धंधनाती रहती हो, एक छोटा सा कमरा दिया है उसमें भी दादागिरी है। अरे भाई ये शादी खत्म हो तो इस झंझट से जान छूटे मेरी, सारा बर्बाद कर दिया मेरा कमरा, क्या किया ये सब कुछ। निकलो निकलो। नहीं नहीं निकलो, मेरे कमरे मुझे ढूंढने दे, यही थी, अभी मिल जाएगी, ढूंढूंगी तो मिलेगी ना पप्पो। देखे कहां रख दी जरीन ने। अरे निकल यहां से, क्या ढूंढ रही हो? यही तो थी, यही तो वो डायरी थी जिसमें अम्मी की स्पेशल नान खटाई की रेसिपीज लिखी थी। पप्पो मिल गई, यही मैं ढूंढ रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो चलती रह गई हर वक्त। हाजरा बीबी की मशहूर जमाना नान खटाई, गुलाब जामुन, तिल वाले लड्डू, जफरानी नान खटाई, वो देखें और कितने खाने, कोफ्ते, बादाम का हलवा, बेसन के लड्डू, पिस्ता, बर्फी। नान खटाई किधर गई? अरे भाई रहने दो ना, तुम्हारी अम्मा को क्या पता कि मुरगन खाने क्या होते थे। कभी जो कोई अच्छा मुरगन खाना बनाकर खिलाया हो, इकलौती नन थी मैं, हालांकि छोटे घराने से आई थी दरअसल, उसे क्या पता कि मुर्गन खानों के नाम क्या होते हैं। यखनी पुलाव, मुतंजन, शब्देक, दम के कबाब, बस एक बिरयानी जरा अच्छी बना लेती थी। रहने दे पप्पो, अम्मी बहुत अच्छी कुक थी, बल्कि शेफ थी, कॉन्टिनेंटल, थाई, चाइनीज सब खाने इतने अच्छे बना लेती थी। और आपको पता है जब मैं और जही स्कूल से वापस आते थे ना, तो अम्मी के हाथ के बेक की हुई नान खटाई की खुशबू गेट तक आती थी, इतनी क्लासिक बनाती थी कि आपको क्या बताऊं। पापा बताते हैं कि अम्मी के हाथ की बनी मिठाई बिकती थी माला बशीरी पे। लेकिन फुप्पो ये आधा सफा कहाँ गया नान खटाई का, कहाँ ढूंढूंगी मैं ये रेसिपी। लो अब खा लो नान खटाई, हाजरा की मशहूर जमाना नान खटाई। पप्पो ये तो बताएं, ये किसने फाड़ा होगा, कौन ये बेवकूफी कर सकता है? मेरा ख्याल है मैंने ही फाड़ा था, उस दिन पान लपेटना था मुझे, मुझे क्या पता था। पप्पो क्या करती हैं आप? क्या मतलब है क्या किया? अरे पुरानी सड़ी हुई किताब थी, फाड़ लिया मैंने एक सफा। तुम तो ऐसा दंगा मचा रही हो जैसे वो खुदा ना खास्ता कोई आसमानी सहीफा था। मेरे लिए आसमान से उतरा हुआ सहीफा ही था। आपको क्या पता पप्पो, मम्मी की खुशबू आती है उनकी हर चीज से। मैं नान खटाई की रेसिपी कहां से ढूंढूंगी मैं? ओफो, ससुर के आने पर इतनी तैयारियां, जब जाहिद खुद आएगा तब क्या करोगी तुम? उसके लिए तो मैं रेड कार्पेट बिछाऊंगी और ऊपर से फूल। तुम्हें पता है मेहंदी पर आरजे सैम आ रहा है, जो एक्टर सुरभा की शादी पर आया था, ब्रांड है ब्रांड। सीधा दुबई से यहाँ आ रहा है और हमारी शादी के बाद हॉलीवुड जाएगा, शायद सोनम कपूर की शादी है। सच में? हाँ, आरजे सैम, ओह माय गॉड, फिर तो कितना मजा आने वाला है ना। हाँ। वैसे जरीन काफी पैसे लेता होगा ना ये? कोर्स महंगा तो है, लेकिन हमें पैसे की क्या फिक्र, पापा के पास है ना पैसे, दे इस घर की पहली शादी है और शायद आखिरी। पता है मैं ऐसे सच कर पालकी में होके सवार चली रे,
मैं तो अपने साजन के बाहर चली रे ऐसे ढोलकी पर बैठूंगी और सजे बारात के साथ दाखिल होंगी। पता है लाहौर से ढोल वाले आ रहे हैं। एक मिनट, तुम्हारी टांगे टूटी हैं जो तुम पालकी या टांगे पर बैठ कर जाओगी मेहंदी पर? चलो जी, आ गई जल कुकड़ी। ऐसा करो कि जाहिद से कहो कि दुल्हा बनकर हेलीकॉप्टर से पैराशूट से छलांग लगाए एंड निकाह के स्टेज पर। कितना अच्छा आइडिया है ना? ये सारी जो प्लानिंग कर रही हो, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे को दरख्तों पे उगते हैं। अच्छा, और तुमने जो अपनी बुटीक पर 2 करोड़ उड़ाए थे, हाँ, वो 2 महीने में ना तो उस टाइम दरख्तों से पैसे आते थे और ना ही बारिश से बरसते थे। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह से कहने की? क्यों, देखा नहीं था कैसे बोल रही थी? पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, बड़ी बहन है ना, बदतमीजी नहीं किया करो तुम हर वक्त। बहुत जेलस होती है। अच्छा चलो, तो पानी वानी तो पिलाओ, कब से आई हूँ बैठने के लिए भी नहीं बोला। अच्छा बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, आते ही तारीफ की है तुम्हारी, और क्या चाहती हो तुम? मैंने तो बिजनेस करने की कोशिश की थी, तजर्बा नहीं था, नुकसान हो गया तो? मैं तो पापा की हेल्प करना चाहती थी ना। तुम अपनी हेल्प ना अपने पास रखो, मेरे शादी के किसी भी इवेंट या किसी भी प्लानिंग में अगर तुमने टांग अड़ाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। चल गोरी की दुकान, चले चलो, चले चलो। चल गोरी की दुकान, चले चलो, चले चलो। खाना तो बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया मेरा सच में। आप लोगों की मेहमान नवाजी तो बहुत खूब है, बहुत मजा है। बैठो बैठो। असलम भाई, आपकी फैमिली से मिलके वाकई यकीन मानो बहुत खुशी हुई मुझे। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और की फैमिली से मिलने आया हूँ। सिर्फ मुझे भी ऐसे लगा। अच्छा, ये बहुत टक्कर की शादी है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जाहिद ने बहुत बड़ा खानदान चूज किया है। और आपकी ये कोठी, वाह बड़ी आलीशान है। क्या वैल्यू क्या चल रही होगी? 20 करोड़ प्लस होगी? नहीं नहीं, मेरा प्रॉपर्टी का भी कारोबार है ना, गाड़ियों के साथ में, इसलिए मैं पूछा। अपने जाहिद का स्टोर बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा काम बढ़ा लें, एक स्टोर और खोल लें, हैं लंदन के साथ में, साउथ हॉल में। तो देखो असलम भाई, मैं आदमी बिल्कुल सीधा और साफ बात करने वाला हूँ, वो स्टोर खोलने के लिए कम से कम 500,000 pounds की इन्वेस्टमेंट लगेगी। आपको तो माशाल्लाह से कारों का कारोबार भी है ना? असलम भाई, या तो आप बहुत भोले हो या आप बहुत ओवर स्मार्ट। वो इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करूंगा, वो आप करें। अरे अपने दामाद के बिजनेस में। हाँ देखो, ये मैं जहेज का कायल तो नहीं, एकदम ये सब चीजें तो एकदम आउटडेट हो जाती है ना। पर देखो, जाहिद का बिजनेस चलेगा, फलेगा फूलेगा, तो आपकी बेटी खुश रहेगी, है ना भाई साहब? भाई साहब क्या हो रहा है आपको? तभी तो ठीक है आपकी। अरे जल्दी आओ, देखो भाई साहब को क्या हो रहा है। जैसा है कि आप मेरे को कल तक जवाब दे देना, ठीक है? मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अरे बेटा, इनको मेरे ख्याल गैस चढ़ गई है, आप डॉक्टर को फोन कर लो, आजकल हार्ट फेल भी बहुत हो रहे हैं, तो बेटा तेरा ख्याल रखना। असलम भाई,
जिस चीज में हाथ डालती हूँ मट्टी कर देती हूँ। क्या मैं क्या 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 भरोसा करूंगी? मैं कहीं से कर्जा लूं या खुद को बेचूं? मैं जरीन की शादी को उसके सारे अरमान पूरे करना चाहता हूं। वाओ यार, कितनी लकी हो तुम। तुम्हारे पापा ना बहुत शानदार वेडिंग करवा रहे हैं। और तुम्हें पता है, मैं तो सिर्फ कार्ड देखकर ही बेहोश हो गई थी। काफी महंगा वाला लगता है। हाँ, ये देखो पूरे 500 रुपए का है। ये सारी जो प्लानिंग कर रही हो, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे को दरख्तों पे उगते हैं। मैं आपको बता रही हूँ भाई, मैं छोटी वाली की विदाई पर ना पूरे 2 कड़े बनवाऊंगी खूब जड़ाओ किस्म के हाजी ज्वेलर से। और हल्के नहीं होने चाहिए, कम से कम 5-1 लाख के तो होंगे दोनों कड़े। अरे साहब, अब हौसला क्यों छोड़ते हैं? अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल अज़बाब है। अरे वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। बस आप हौसला रखें, हिम्मत ना हारें। बेटियां तो निरी जहमत होती हैं, पैदाइश से लेकर विदाई तक बस जहमत ही जहमत। ये जैसी भी हैं दोनों मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन ये शीरी किस पे चली गई है ये मेरी समझ में नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक ऑर्डर करना था, मिल सकता? 2 किलो प्यार, 1 किलो मिठास की चाशनी पका हुआ, उसमें अगर उल्फत की मावा भी डाला हो, अबे चाहत की चाशनी अगर उसमें से टपक रही हो तो क्या ही बात है, मिल सकता है अभी इस वक्त? इस वक्त तुम ये चखो और मुझे बताओगे किस चीज की कमी। इसमें तो सोडे की स्मेल है, आई मीन बेकिंग पाउडर की, और जलने की बूढ़ी आ रही है। आई एम सॉरी शीरी, मगर तुम्हें किस कामों में पड़ गई हो? तुम तालीम मुकम्मल करो अपनी और शादी कर लो किसी भी एक्स वाई जी से, और फिर उसी की मर्जी की औरत बन जाओ और उसका हुक्म मानो और उसी की तरह की ताबेदार बेटियां पैदा करो, है ना? मैं तो दूर का नहीं सोचता, मेरा तो कहने का यह मतलब था कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो। फरहाद, लोग तालीम क्यों हासिल करते हैं? शऊर के लिए, इल्म के लिए, अवेयरनेस के लिए। मैंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैंने अपनी माँ की मौत देखी है, अपने पापा को बैंकरप्ट होते देखा है, लोगों को बदलते देखा है, और ये सब कुछ बहुत है मेरे अंदर शऊर लाने के लिए। मुझे जरूरत नहीं है अब किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल जाने की। लोग बदलते होंगे शीरीन, मगर मैं नहीं बदला। मैं तुम्हारा वही फरहाद हूँ जिसे यूनिवर्सिटी में शीरिंग का फरहाद कहा करते थे, वही फरहाद जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। मैं तुम्हें तब भी उतना ही चाहता है जितना आप चाहता हूँ। तुम्हारी ऐनक के ऊपर आटा लग, मुझे दे दो, मैं इसको साफ कर दूं ताकि तुम्हें करीब की चीजें अच्छी नजर आ सके। देखती हूँ, करवाती हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
रफीक मलक नाम है जी मेरा। आपके अब्बा असलम मिठाई वाला से खासी जान पहचान है मेरी। इस इलाके की बेशतर नई पुरानी इमारतें खरीद चुका हूँ। बेशक खरीद चुके होंगे लेकिन औने पौने दामों में। ये क्यों नहीं कहते? अच्छा है जी, अच्छा है। आपका इससे मिजा बड़ा अच्छा है जी। ये ट्राई कीजिए, हमारी मीठी तिल वाली टिक्की। बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाने वाले हम हाजरा नान खताई के नाम से, आपको पसंद आएगी। वाह, बड़ी अच्छी नान खताई है जी। लगता है काफी एक्सपर्ट हैं आप मार्केटिंग। गिरा हुआ कारोबार उठाना औरत के बस का रोग नहीं है जी। औरत के हाथ में तो चूड़ियां सस्ती हैं जी, या फिर डोई, वो भी अपने रसोई की। दुकान का सौदा करें, घर में बैठे हैं, अब्बा को भी आराम कराएं। 10 करोड़ नकद, 10 करोड़। इस दुकान की इतनी बड़ी ऑफर कोई भी नहीं देगा जी मार्केट में। चले हफ्ता देता हूँ, सोच लें। बल्कि सोच क्या लें, बयाना पकड़ें जी, कर्ज खाओं का कर्ज अदा करें और चैन की बंसी बजाएं। अभी चेक कर। इस बिल्डिंग के अलावा कोई और बिल्डिंग खरीदनी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, आई कैन हेल्प यू इन दैट। अरे रुकिए, ये मीठी टिक्की तो ले जाइए, मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त, आपके मशवरों की तरह। आने का बहुत शुक्रिया। चल गोरी की दुकान, चले चलो चले चलो। चल गोरी की दुकान, चले चलो चले चलो। शीरी, मुझे तुमसे बात करनी है। शीरी, कल मलिक साहब आए थे, उन्होंने पापा से लबे शीरी खरीदने की बात की है और बहुत बड़ी ऑफर दी है। फिर पापा ने मान तो नहीं ली? जाहिर है मान जाएंगे, इस तरह हमारे कर्जे भी पूरे हो जाएंगे और जाहिद के पापा को पेमेंट चली जाएगी और मेरी रुकी शादी फट से हो जाएगी। वैसे लबेशेरी तो बंद हो चुकी है ना? लबेशेरी दोबारा शुरू की जा चुकी है। लबेशेरी दोबारा? कौन चला रहा है उसे? फरहाद और उसके बूढ़े अब्बू। मजाक मत कर, कल वकील साहब आने वाले हैं और पापा से या किसी और में हिम्मत नहीं कि वो लबेशेरी चला सके। लबेशेरी मैं चला रही हूँ, मैं फरहाद के साथ मिलके और जमीर साहब के साथ मिलके। देखो जरीन, मेरे पास वाह 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 वाह, एक बार फिर रजिया सुल्ताना जंग लड़ने चली अपने फ्लॉप आइडियाज के साथ। अब और नहीं, मैं पापा को बताने जा रही हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो, पापा को मत भड़काना प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यार मैं जानती हूँ मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं इस दफा कुछ कर जाऊंगी। सिर्फ एक आइडिया, सिर्फ एक आइडिया क्लिक होने की देर है, एक रेसिपी और देखना वही गेम चेंजर होगा। तुम देखना वही गेम चेंजर होगा जरीन।
में यकीन ऐसा होगा? क्यों नहीं है यकीन? देखो जरीन, जब तक हम खुद पर यकीन नहीं करेंगे ना, तो कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। पापा को हमारी जरूरत है, हम उनके बेटे हैं, और हमें ये प्रूफ करना है। जब हम पापा के साथ मिलकर खड़े होंगे ना, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होगी, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। सिर्फ यकीन करना है खुद पर। हाँ बेहतर है, मगर इसमें वो चीज कहाँ है जो गेम चेंजर हो? कुछ अधूरा है, जैसे किसी चीज की कमी हो, जैसे पजल में कोई टुकड़ा कम हो। बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह कुछ कमी है। मेरी जिंदगी भी ऐसी है। तुम्हें क्या हुआ है? दोनों हाथों से कमा रहे हो, ओ लेवल्स को मैथ्स पढ़ाते हो, तुम्हें किस चीज की कमी? सिवाय तुम्हारे, शीरी का फरहाद। फरहाद के पास अगर शीरी ना हो तो वो इस देशे का क्या करे? हाँ ये पेन 2018 के फरहाद का तेशा ये पेन ही है। मेरे हाथ पकड़ लो ताकि हम दोनों जिंदगी की तस्वीर को मुकम्मल करें। यार देखो मैं कितनी पत्थर की हो गई, ना ब्लश कर रही हूँ ना शर्मा रही हूँ। रोमांस के लिए तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, बेहस हो गई हूँ मैं। अभी तो मेरा सिर्फ एक टारगेट, लबेशीरी। अगर लबेशीरी ना खुली, अगर मुझे रेसिपी ना मिली तो मलिक रफी कामयाब हो जाएगा। पप्पा वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे, जमीर साहब बीमार होके बेड से लग जाएंगे बिल्कुल मामा की तरह। मैं ये नहीं चाहती हूँ। अब्बू ने तो अपनी जिंदगी के 40 साल बल्कि सारी की सारी जिंदगी लबेशीरी को दी। अगर लबेशीरी को ताला लग गया तो अब्बू के तो लब पे मोहर लग जाएगी। पता है अब्बू सुबह सुबह उठते थे, पैदल चल के जाते थे, लबेशी के दरवाजा खोलते थे। बरसों पुरानी आदत थी, जाते हुए आटा गूंथ के जाते ताकि हम दो वक्त की रोटी पका सके। क्या करें, मामूल था ऐसा। पापा का भी यही हाल था। ये दोनों बूढ़े मर जाएंगे, हमें लबेशीरी खोलना है, उसे चलाना है, उसे कामयाब करना है। कौन नाकाम नहीं होता? दुनिया भरी पड़ी है किस्सों से यार, नाकाम होंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी ना। तुम देखो कितनी एग्जांपल्स हैं, आइंस्टाइन, एडिसन, स्टीव जॉब, ईडी साहब, सबने ट्राई तो किया होगा ना किसी ना किसी दिन। I will try to. I'll definitely try.
चल गोरी की दुकान, चले चलो चले चल, चल गोरी की दुकान, चले चलो चले चल। पप्पा मैं अंदर आ जाऊं, सो तो नहीं रही? हाँ मेरा बच्चा, तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई मेरे कमरे में इजाजत लेकर आने की? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, आपके लिए दवाई पूछू। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो बस हकीम साहब से दवा मंगाई थी, पता नहीं पुड़िया बनाकर कहाँ रखी, जरा जरा देख दो, शायद ये खाने में देखो। यही होगी, हाजरा बीबी की नान खटाई की बकिया तरकीब, यही गेम चेंजर है, यही तो ढूंढ रही थी मैं इतने दिन से। अब हमारी लवी शीरी चलेगी नहीं, दौड़ेगी, हमारे हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे। पप्पा इसको मैं भी जाके जोड़ती हूँ और इसको मैं ठीक करती हूँ। ये है पाँव में जमीन, वो है सर पे आसमान, जिसे ढूंढते हैं हम नहीं दूर वो जहां। कर मिलके हम जो काम तो खुदा हो मेहरबान, जरा देखो किस तरह चल गोरी की दुकान, चले चलो चले चलो, देखो आगे जिंदगी निशान, चले चलो चले चलो, देखो आगे जिंदगी निशान। ठोकर पहले खावे फिर आगे बढ़ जावे, हिम्मत करे बंदा मेहनत ही रंग लावे। ठोकर पहले खावे फिर आगे बढ़ जावे, हिम्मत करे बंदा मेहनत ही रंग लावे। वही झूले मंजिले जो लड़ा दे अपनी जान, खुदा देखो किस तरह चले गोरी की दुकान, चले चलो चले चलो, देखो आगे जीत निशान, चले चलो चले चलो, देखो आगे जीत निशान। हाथ से हाथ न छूटे, मिलके मजे सब लूटे, जैसे खुशियाँ दिल में लड्डू फूटे, हमें देखे हर पलक भरे इस तरह उड़ान, जरा देखो किस तरह चले गोरी की दुकान, चले चलो चले चलो, देखो आगे जीत निशान। हाजरा नान खटाई की 10 किलो एक एक किलो के डब्बे में, ऐसा है कि अभी इसके ऑलरेडी बहुत से ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको अरेंज करवा दूंगी मैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। किस नाम से जी? शाम 5 बजे। ओके। ईद मुबारक। 20 किलो बिल्कुल ठीक है, आप शाम 4 बजे पिक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये है पाँव में जमीन, वो है सर पे आसमान, जिसे ढूंढते हैं हम नहीं दूर वो जहां। कर मिलके हम जो काम तो खुदा हो मेहरबान,
जरा देखो किस तरह चले गोरी की दुकान। चले चलो चले चलो देखो आगे जीत के निशान। चले चलो चले चलो देखो आगे जीत के निशान। कर पहले खावे फिर आगे बढ़ जावे हिम्मत करे बंदा मेहनत ही रंग। जानती हूँ शीरी ने तुम्हारे लिए ज्वेलरी का ऑर्डर किया और उतनी महंगी ज्वेलरी जितनी तुम मुझसे डिमांड किया करती थी। क्या कह रहे हैं आप भाई साहब, वाकई शीरी ने मेरे लिए जेवरात का ऑर्डर किया? हाँ, उसने अपनी मेहनत और लगन से हमारे बिजनेस को फिर चार चांद लगा दिया। तुम कहते ना ये बेटियां जहमत हुआ करती हैं, मैं तुम्हारी इस बात को हमेशा रद्द करता था लेकिन शीरी की तरफ से थोड़ा परेशान रहता था, लेकिन आज मेरी बेटियों ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। भाई साहब, मैं आपसे और बच्चियों से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो सारी जिंदगी यही सोचती रही कि बेटियां जहमत होगी, लेकिन शीरी ने अपनी हिम्मत से साबित कर दिया कि वाकई बेटियां तो रहमत होती हैं और माँ बाप का फख्र होती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, अल्लाह हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। बस आमीन, बस इंशाल्लाह कल परसों तक मिल जाएंगे। आप मुझे शर्मिंदा कर, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे बच्ची। आमीन। चले गोरी की दुकान। चले चलो चले चलो चले गोरी की दुकान। चले चलो चले। ये है पांव में जमीन, वो है सर पे आसमान, जिसे ढूंढते हैं हम नहीं दूर वो जहां। कर मिलके हम जो काम तो खुदा हो मेहरबान। जरा देखो किस तरह चले गोरी की दुकान। चले चलो देखो आगे जी।